हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे इंस्टेंट ढोकला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कप बेसन लेंगे हम, और उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें अब हम पानी डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करके इसका एक बैटर बना लेंगे। और पानी को हमने यहाँ थोड़ा गर्म कर लिया है, तो हम गर्म पानी ऐड करेंगे इसमें। ज़्यादा गर्म ना करें, बस थोड़ा हम इसे कुनकुना कर लेंगे, और फिर इसमें हम ऐड करके इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, थोड़ी सी फ्लोई। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक टिफ़िन बॉक्स लिया है, इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। मैंने इसमें ऑयल लगाया है, और 10 मिनट बाद हम करेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। ये प्लेन वाला पैकेट हमने लिया है, फ्लेवर वाला ना ले। और ये मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और देखिए बैटर अभी से फूलने लगा है, तो हम जैसे ही इनो इसमें ऐड करेंगे, हम तुरंत इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे इस डिब्बे में डाल देंगे, जिसे हमने पहले से ऑयल लगा कर रखा था। और इसे हम एक दो बार टैप करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है वो निकल जाए। और अब हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये इडली का कुकर यूज़ किया है, आप चाहे तो नॉर्मल कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 ग्लास पानी डाल लें, और इस तरह का एक स्टैंड इसके अंदर अब हम रखेंगे। और इसमें हम रखेंगे ये बैटर, इसे सेंटर में हम रखेंगे, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। तो देखिए ये ढोकला बनके तैयार हो चुका है। तो हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला बनके तैयार हुआ है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो इसे तड़का लगाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राई, 3 से 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें, और करी लीव्स डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, और जैसे ही पानी उबलने लगे हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1/2 चम्मच नमक ऐड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब गैस बंद कर देंगे हम। और अब हम इस तड़के को ढोकले के ऊपर अच्छे से डालेंगे,
ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। और इसे 15 से 20 मिनट तक हम इसी तरह रखेंगे। तो देखिए हमारा ढोकला बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी ये बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।